साहिल, are you okay? हाँ, मैं सुबह से 20 बार फोन कर चुकी हूँ, फोन क्यों नहीं उठाया? साइलेंट पे है क्या? क्या खराब हो गया है फोन तुम्हारा? देखो मैं रीडायल करती हूँ। मुझे रिंगटोन सुनाई दे रही थी, तुम्हें पता भी नहीं चला होगा कोई फोन कर रहा है। कोई काम था? बिना काम के तुम्हें फोन नहीं कर सकती। दीवान एंटरप्राइजेस के ओनर की इकलौती बेटी रितु दीवान मुझे क्यों फोन करना चाहेगी? तो ये बात है, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट किया था रितु कि मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मैंने नहीं बताया क्योंकि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि आई लव यू एंड यू लव मी। मैं हवा में महल जरूर बनाता हूँ रितु, मगर जमीन से जुड़ा हुआ आदमी और जमीन पर ही रहता हूँ। हमारी दुनिया अलग अलग है। हमारी कोई दुनिया ही नहीं है साहिल। हमारी दुनिया तो वो होगी जो हम मिलकर बनाएंगे, जिसमें हम और तुम साथ रहेंगे। नहीं रितु, इतना आसान नहीं होगा। पर मुश्किल भी तो नहीं है ना साहिल? ओके, मुझे बताओ तुम्हें किस बात का डर है? मैं इस छोटे से फ्लैट में रहता हूँ रितु, शायद मेरे पूरे फ्लैट बराबर तुम्हारा एक कमरा होगा। सैलरी का कोई ठिकाना नहीं, महीने का कभी 10,000, कभी 50,000, तो कभी कुछ भी नहीं। लेकिन तुम रितु दीवान। मैंने जिस साहिल से प्यार किया है उसकी पहचान सिर्फ ये है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। फिर मेरी पहचान मेरे डैड के नाम से क्यों? तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो सिर्फ रितु है। रितु तुमसे बहुत प्यार करती है, क्या तुम भी उससे प्यार करते हो? क्या तुम भी उससे प्यार करते हो? तो फिर 3 दिन पहले जो शादी का प्रपोजल मेरे सामने रखा था, क्या वो अभी भी वैलिड है? मैं पूछ रही हूँ, ऑफर वैलिड है कि एक्सपायर हो गया? क्या हूँ बुई, असली काम तो अब आपको करना है। डैड को साहिल के बारे में बताना है। वो मुश्किल नहीं होगा। तेरे डैड ने और मैंने तेरे लिए इतने सारे फोटोग्राफ्स देखे हैं और रिजेक्ट किए हैं कि अब मैं उनके सामने चूहा भी पेश करूँ ना तो वो उसके लिए भी मान जाएंगे। बुई, डिड यू जस्ट कंपेयर साहिल टू अ चूहा? किसी ने ठीक ही कहा है कि प्यार एक लड़की का सेंस ऑफ ह्यूमर खराब कर देता है। क्या नाम बताया था? साहिल रस्तोगी। और कहाँ तक पढ़ा है? बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ओह वाओ, और करता क्या है? कार्टूनिस्ट है।
साहिल इज एन आर्टिस्ट बुई। सो बुई मैं बात करती हूँ। ओ बुई यू सो स्वीट, थैंक यू बुई। 11 letter word for chance. क्या है यार? Opportunity. हाँ, thank you. अरे, वो blind association का check चला गया? हाँ, हाँ. Good. भैया, जिन जिन के ये photographs हैं, सब लौटा दो. क्यों भाई? कोई भी पसंद नहीं आया क्या? एक्चुअली रितु ने किसी को पसंद कर लिया है। क्या? क्या करता है? आर्किटेक्चर पढ़ा है। ठीक है, कल शाम को 5 बजे उसे बुला लो, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। ओके। पहनकर तो तुम मुझे और भी नर्वस कर रही हो। हाँ, तुम भी सिली। मुझे लगा सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सीरियस लगना चाहिए। हाय, एम आई लेट? नहीं सर, मैं ही जल्दी आ गया था। हाय, नाइस टू मीट यू। सेम हियर सर। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम फाइन, बैठो बैठो। अरे रितु, चाय वाय तो पिलाओ उसे। जी, अभी भिजवाती हूँ। साहिल, राइट? जी। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते? जी, वो प्रोफेसर थे कॉलेज में। 2 साल हुए वो एक एक्सीडेंट में गुजर गए। ओह, आई एम सो सॉरी। तो अकेले रहते हो? जी। खुद का घर है? हाँ, वो माँ बाबा का प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस वगैरह का जो पैसा मिला था उससे एक 1 BHK खरीदा था। कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे? जी, आई मीन शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स लाइक दैट? नो सर। एंड योर जॉब इज? जी, मैं फ्रीलांसर हूं। क्या करते हो? जी, आर्टिस्ट हूं। करते क्या हो? कार्टून कैरेक्टर्स डिजाइन करता हूँ, एड्स, प्रिंट मीडिया वगैरह के लिए प्रोजेक्ट्स लेता हूँ। अभी आपकी कंपनी के लिए भी एक मैस्कॉट डिजाइन किया है। टैक्स भरते हो? पैन कार्ड है, पर पिछले 2 सालों में टैक्सेबल इनकम नहीं हुई। एक्सक्यूज मी, चाय आ गई। जलाराम। पीपीएफ अकाउंट है? जी नहीं। पैन कार्ड है तो कभी तो टैक्स भरा होगा? 2 साल पहले मैं मोहन एसोसिएट्स में चीफ आर्किटेक्ट था, तब टैक्स भरता था। तो वो जॉब क्यों छोड़ दी? जी, मन नहीं लगता था, कुछ और करना था जिसे करके अच्छा लगे। सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनाकर पैसे नहीं कमाने थे। तुम्हें लगता है कि पैसा कमाना आसान काम है? जी, मेरा मतलब है 2 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हो, टैक्स देने बराबर भी कमा नहीं पाया अभी तक। कभी पैसों की कमी महसूस ही नहीं हुई। आई सी, इंटरेस्टिंग। Well, thank you very much for coming. It was lovely meeting you. I wish you all the best.
तो सर मैं चलता हूं। ओके। भैया जलाराम दूसरी चाय लाइए, ये चाय ठंडी हो गई। आपने ऐसा क्यों किया डैड? आप ही ने बुलाया था ना मिलने के लिए। तो मिल लिया ना, कर ली बात और ये फैसला भी ले लिया कि ये तुम्हारे लायक नहीं। भैया व्हाट इज इट विद्या, देखा नहीं अभी तुमने? इस लड़के में एक सफल आदमी बनने के ना ही तो कोई गुण है और ना ही कोई ललक। दिस बॉय इज अ कंप्लीट फेलियर। पर रितु उससे प्यार करती है भैया। हाँ तो प्यार तो तुम भी करती थी ना अरविंद से, मैंने तुम्हारी शादी में होने दी थी उसे। उसके बाद क्या हुआ, वो नाकामयाब शायर अपनी नाकामयाबी को शराब में डुबोता रहा और फिर एक दिन खुद उसी में डूबकर मर गया। जो गलती तुमने की थी वो गलती मैं रितु को नहीं करने दूंगा। इसकी शादी एक ऐसे लड़के से होगी जो पैसे की अहमियत जानता है। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती डैड। यही बात तुम्हारी बुआ ने भी कही थी जब अरविंद से शादी करना चाहती थी। उसके बाद क्या हुआ, मिली इसे खुशियां? मेरे साथ जो हुआ ये जरूरी तो नहीं कि रितु के साथ भी वही होगा। वही होगा विद्या, क्योंकि साहिल भी एक कलाकार है। कलाकार सिर्फ अपने सपनों की दुनिया में जीता है, हवा में महल बनाता है, असलियत में दो वक्त की रोटी नहीं मिलती उसे। You wanna know why? Because all artists are losers. अपनी दुनिया में अकेला ही जीना जानते हैं वो। किसी का साथ अगर निभाना पड़े ना तो घुट घुट के मर जाते हैं जैसे कि अरविंद। My decision is final. रितु की शादी साहिल के साथ नहीं होगी, is that clear? मेरे फैसले की सजा आप रितु को मत दीजिए भैया। मैं चांस नहीं ले सकता विद्या। दुनिया का सागर कितना गहरा है रितु को अंदाजा भी नहीं, और ऐसे में वो जिस आदमी के साथ कश्ती में बैठना चाहती उसे कश्ती चलाना न सही, कम से कम तैरना तो आना चाहिए। और ये सब एक बार मिलकर ही? एक ही बार मिलकर जान लेता हूं मैं कि कौन कितने पानी में। यू नो दिस। एक कलाकार होने की सजा दे रहे हैं आप उसे। ओ प्लीज विद्या। नो भैया, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। आपने मेरी जिद मान ली थी क्योंकि आप जानते थे कि मैं घर छोड़कर अरविंद से शादी कर लूंगी। पर रितु ऐसा नहीं करेगी भैया, वो आपके फैसले का मान रखते हुए यही रहेगी। पर रोज आप उसमें अपनी बेटी ढूंढेंगे और रोज उसमें आपको एक टूटी हुई औरत नजर आएगी। ठीक है, मैं फिर से मिलूंगा उसे। अब फिर से मिलके क्या होगा रितु? तुम्हारे डैड फैसला ले चुके हैं और वो गलत भी नहीं है। हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी एक ऐसे आदमी से शादी करे जो दुनिया का हर सुख उसके कदमों पर रख दे। तुम मुझे बता सकते हो सुख की डेफिनेशन क्या है? साहिल तो बिल्कुल वैसे हो जैसे उन्हें मेरे लिए चाहिए, बस वो पहचान नहीं पा रहे हैं। साहिल एक बार उनसे आके मिलो प्लीज, शायद इस बार उन्हें तुम्हें वो सारी क्वालिटीज दिखे जो वो पहली मीटिंग में नहीं देख पाए थे। पर मैं तो वही रहूंगा ना रितु।
अपनी बिजनेस मीटिंग्स में अक्सर यहीं रखता हूं। साहिल, तुम मेरी कंपनी के बारे में क्या जानते हो? जी बस इतना कि वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाती है। 24 साल पहले मैंने इस कंपनी को शुरू किया था। पिछले 20 सालों से इस कंपनी ने हर साल सिर्फ ग्रोथ देखी। पिछले साल का टर्नओवर 500 करोड़ था, मंथली प्रॉफिट करीब 4 करोड़। हमारा नेक्स्ट असेसमेंट 3 महीनों के बाद है और इन 3 महीनों के लिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करता हूं। प्यार करते हो ना मेरी बेटी से? मैं तसल्ली करना चाहता हूं कि शादी के बाद तुम अच्छे से इसका ख्याल रख सकोगे। What are you saying, Dad? एक मिनट रितु, मुझे समझने तो दो। मेरी कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उससे ज्यादा कमा के देखो, मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मेरी बेटी के लायक हो। पर सर, मैं बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता। आर्किटेक्ट हो, 12वीं तक मैथ्स तो पढ़ी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर याद है, उसी को बिजनेस कहते हैं। ये आप साहिल को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है डैड। He is not a businessman, वो एक कलाकार है। एक बात और, अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो हमेशा के लिए तुम्हें रितु को भूलना होगा। इस फाइल में मेरे कंपनी के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अगर तुम इस इम्तिहान के लिए तैयार हो तो फाइल उठा लो, वरना Hi, good morning. Rise and shine. Thanks. तुम्हारा सोल्जर टाइम पे पहुंच जाएगा। तुम होगी ना वहां मुझे वेलकम करने के लिए? मैं जरा देर से आऊंगी, डैड ने एक मीटिंग अटेंड करने को कहा है। ओह, ओके। हेलो, तुम ठीक हो ना? या वो कोई दरवाजे पे आ गया था। ओ, अच्छा। All the best, huh, Sahil? Thanks. ठीक है, मैं रखती हूँ। Bye. सुनो। हाँ। Love you. Love you, Mr. Kalakar. एक बार फिर सोच लीजिए सर। इस तरह से 3 महीने के लिए इस कंपनी की बागडोर एक नौसिखिए के हाथ सौंप देना करोड़ों का नुकसान हो सकता है। दीवान साहब, आपका लीगल एडवाइजर होने के नाते आपको बताना मैं अपना फर्ज समझता हूं। मैंने खुद देखा है कैसे एक एक ईंट जोड़कर आपने ये सब बनाया है। जिसके लिए सब कुछ बनाया है उसी के लिए तो ये इम्तिहान ले रहा हूं मैं। मेरा अपनी बेटी के भविष्य के लिए करोड़ों का नुकसान, तो क्या मैं ये सारी कंपनी भी दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं? रिसेप्शन पे खबर कर दो कि आज से नए एमडी साहब आ रहे हैं। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, आपको किससे मिलना है? एमडी का कैबिन किधर है? आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, पर वो देखिए, अपॉइंटमेंट के बिना हम ऐसे मिलने नहीं दे सकते। जी, मैं ही नया एमडी हूं। I beg your pardon? I am the new MD. मेरा नाम साहिल रस्तोगी है। ओह, गुड मॉर्निंग सर। सर, कौन का कैबिन? आइए सर।